देखती हूँ मैं आपके पास, और देखती हूँ मुझे क्या मिला है, मैं इसे ले लेती हूँ और चलिए घर जाकर आज मैं उसका सब्जी बनाऊंगी। हर्ष देखो ये क्या है, मैं क्या लाई हूँ हर्ष। क्या है बताओ क्या है, तुम गेस करो क्या है। मशरूम। अरे वाह, तुम तो एक मिनट में कर लिया। मशरूम तो छोटा होता है। ये देहाती मशरूम है ना, ये देहाती मशरूम है, खाओगे ना। देखो तो दिखा। कोई बात नहीं, चलिए इसका सब्जी बनाते हैं और हर्ष को टेस्ट करवाते हैं। कच्चे नहीं खाना है। फ्रेंड्स देखिए मैंने मशरूम को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और दिखाती हूँ मैं। ये देखिए मैंने इसके मसाला और प्याज भी रेडी कर रखा है। अब हम लोग चलिए इसको बनाते हैं कि कैसे बनता है। एक्चुअली ये तो बनता जैसे प्रोसेस तो सब्जी ही जैसी होती है, ऐसा कुछ मैं ऐसा ही बनाती हूँ सब्जी टाइप्स। अब पता नहीं सबके अलग अलग तरीके होते हैं, तो मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये मशरूम जो है ना इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है पट से टूट जाता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं मशरूम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। ठीक, कमेंट करिए कि किनको किनको भाई मशरूम की सब्जी पसंद है और वो इस सीजन में खाए हैं कि नहीं और कहाँ पर खाए हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। तेल थोड़ा हीट हो गया है तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। और हाँ, जिनको नहीं पता मैं बता दे रही हूँ, मशरूम को अच्छे से धोइएगा क्योंकि वो मिट्टी उसमें लगा होता है। तो अगर आप उसे अच्छे से नहीं धोइएगा तो क्या होता है ना कि उसमें जो बालू के कण जो है ना, मिट्टी के कण जो पतले पतले रहते हैं वो रह जाते हैं, तो मुँह में लगेंगे जब आप उसे बनाओगे। तो आप जब उसे वॉश करोगे तो अच्छे से वॉश कीजिएगा। सीजन में ही होता है तो हम लोग जैसे मिलता है मार्केट में, कभी कभी नहीं भी मिलता है, तो उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो कभी कभी बहुत कम ही बनता है ये वाला, ऐसे ही जो मार्केट में मिलता है ना पैकेट में वो अक्सर बनता है ये वाला, पर इसका टेस्ट एकदम लाल जवाब होता है। एक होता है ना कि नेचुरल चीज़ और एक बनाना, अंतर होता है कि उगाना और एक अपने उगना, वो चीज़ है डिफरेंस। आप जो नहीं खाए वो खा के देखो, काफ़ी टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। देखिए इसका कलर क्या मस्त आया है, बड़ा जबरदस्त इसका कलर आया है। देखिए तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम लोग मशरूम को डालेंगे, फिर नमक अभी नहीं डाला है क्योंकि मशरूम गल के एकदम थोड़ा सा हो जाता है, तो उसी क्वांटिटी में मैं नमक डालूंगी। ये देखिए अभी इतने सारे मशरूम दिख रहे हैं ना, अभी तुरंत वो गल के थोड़े से हो जाएंगे एकदम। इसको थोड़ा सा मिलाएंगे फिर इसको ढक देंगे ताकि भेपर से ये थोड़ा कम हो जाए, तो नमक का अंदाजा लग सके। देखिए इसमें कितना सारा पानी छोड़ दिया है, तो मुझे लगता है इसमें पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं, ये खुद इसी के पानी से ये बॉयल हो जाएगा पूरा अच्छे तरीके से। स्मेल भी आने लगी है अच्छी सी। वाओ, इसका इतना अच्छा स्मेल आ रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, एकदम टेस्टी टेस्टी ही लग रहे देखने से। मेरा चावल और मशरूम की सब्जी रेडी हो गई है, तो मैं इसे खा के मैं टेस्ट करूंगी कि ये कैसा है।
एकदम यमी बना है, बनाइए और खाइए, बहुत ही अच्छा बना है। मैं तो जा रही हूँ खाने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।